नमस्कार, मेरा नाम है कुमुद गिरधर और आज एक अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वन बाय वन, यानी कि एक एक करके। ये एक एक करके क्या चीज़ है? एक एक करके ये चीज़ है कि कई बार क्या होता है कि लाइफ में आपको चारों तरफ से समस्याएं घेर लेती हैं, हर तरफ से, फाइनेंस, कोई बच्चों की पढ़ाई, पेरेंट्स, बीमारी, ये वो सब, और हम क्या होता है उसमें उलझ के रह जाते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करें, इसके लिए एक पुरानी कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। उसमें कहानी यह है कि एक बार एक गांव होता है, तो दूसरे गांव में शादी होती है, जब तय करता है लड़की वाले, तो लड़की वाले शर्त रखते हैं कि आपके गांव के सारे जवान लड़के ही आएंगे शादी में, कोई बूढ़ा या समझदार बंदी नहीं आएगा, क्योंकि वो टेस्ट करना चाहते हैं कि उस गाँव में कितने लोग अकलमंद हैं। तो आप सबको टेंशन होती है कि यार ये इन्होंने ऐसी शर्त रख दी, तो हम इसको क्या करें, और मतलब इसके पीछे इनका दिमाग चल रहा है, कैसे हुआ। तो वो क्या करते हैं कि एक बुजुर्ग आदमी को, जो समझदार बुजुर्ग आदमी को, छुपा के संदूक में ले जाते हैं, जो सामान गिफ्ट करने वाला था उसमें छुपा के ले जाते हैं। अब होता ही है कि जब खाना जब होता है तो शर्त ही होती है, वहाँ जाके जब वो सबको बरातियों का स्वागत होता है तो हर बराती के आगे वो 5-5 किलो गुड़ रख देते हैं कि ठीक है भैया, ये सारे आप 5-5 किलो गुड़ हर बंदा खाएगा तो वही लड़की विदा होगी, नहीं तो विदा नहीं होगी। अब सब परेशान हो जाते हैं कि क्या करें, क्योंकि कितना खा लेगा बंदा गुड़, 1 किलो 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो, 5 किलो गुड़ खाना तो एक बंदे के मतलब का होता नहीं है। तो वो छुपके से जाके वो समझदार आदमी के पास जाते हैं, बोलते हैं भाई ये समस्या आ गई है तो क्या करें। तो वो नहीं कहता कि ऐसा है कि उन्होंने शर्त रखी है कि हर बंदा 5-5 किलो गुड़ खाएगा, ये तो नहीं कहा ना कि एक बार में सब अपना अपना खाएंगे। तो वो क्या करता है कि सबको बोलता है, उनको बोलता है कि तुम सारे एक बार में एक बंदे का गुड़ खाओ, सब मिलके, मतलब अकेले अकेले अपना खाने के बजाय सब मिलके खाओ। तो वो सब क्या करते हैं, जाके जहाँ पहले पहला बंदा होता है सारे वहाँ पहुँच जाते हैं, तो सब खाते हैं, तो एक ही डली उठाते हैं तो 5 किलो गुड़ खत्म। तो करते करते सबके वो गुड़ खत्म हो जाते हैं। तो इस कहानी से सीख मिलती है कि वन बाय वन, कि जब समस्याएं चारों तरफ से आ जाए तो आप उसके आगे अगर सबसे एक ही असाइनमेंट लड़ोगे एक साथ तो आप हार जाओगे, क्योंकि आपकी एनर्जी और वो चीज़ उस तरफ से बनी नहीं। तो हालांकि एकता में बल, कहानी के दो मोटिव्स हैं, दो इसके मोरल हैं, कि एक तो आपकी एकता, अपने लोगों से मिलकर सब कुछ करोगे तो आसान है, लेकिन दूसरा ये है कि अगर आप चीज़ों को वन बाई वन लोगे, अब फॉर एग्जांपल कोई आपको समस्या चारों तरफ से समस्या आ रही है, पढ़ाई की भी आ रही है, फाइनेंस की भी है, रिलेशंस की है, सब चीज़ की है, तो सब जगह आप अपने जो डाउन मोरल के साथ एक साथ टूट पड़ोगे तो आप कहीं पे भी जीतोगे नहीं। तो आपको लिस्ट बनाने की, मेरी 6 समस्याएं या 5 समस्याएं हैं, और उसके बाद वन बाई वन उसको, जैसे पहले आपको लगता है फाइनेंस, तो आप फाइनेंस के लिए लिस्ट बनाओगे कि मेरे फाइनेंस में मैं क्या क्या कर सकता हूँ, फिर उस पर दिमाग लगाना बंद, एग्जीक्यूशन शुरू। रिलेशन पे मेरी क्या कमी आ रही है उस पर लिखो करो। तो जब वन बाई वन आप चीजों को लोगे तो सारी चीजें धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगी, और एक तरह से आप वो 5 किलो गुड़ अकेले खा पाओगे, क्योंकि आप धीरे धीरे करके खाया, अगर आप सारा एक साथ खाने की कोशिश करोगे तो पॉसिबल नहीं होगा। तो बस इस छोटी सी स्टोरी से मैं ये समझाना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ों में मैनेजमेंट और टेक्निक और युक्ति से हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। तो लाइफ में आगे से आप ये ध्यान रखें कि जब भी कोई समस्याएं एक साथ सारी आ जाए तो धीरे धीरे एक एक को लोगे, पूरा फोकस उस पर डालो, उसे सॉल्व करो। मुझे उम्मीद है ये छोटी सी टेक्निक आपके काम आएगी। धन्यवाद।